गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो बेटा, इससे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में हमने बात की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिश प्रोडक्शन के बारे में कि जो फिश का प्रोडक्शन है वो क्यों जरूरी है। ये जो फूड रिसोर्स है फिश, इसका हम जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये हमें कैसे हेल्पफुल है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर आप बात करो फिश की, तो फिश एज ए फूड यूज किया जाता है ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा। ठीक है, ये एक बहुत ही चीप सोर्स है, मतलब एक बहुत ही सस्ता सोर्स है ऑफ एनिमल प्रोटीन दैट इज इजिली डाइजेस्टेबल, जो कि इजिली क्या हो जाता है, डाइजेस्टेबल, हाईली न्यूट्रिटिव है अगर हम बात करें फिश की तो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा अपने पॉइंट से। फिश इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन टू आवर डाइट। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है, सोर्स है प्रोटीन का अपनी डाइट में अगर हम देखें तो, क्योंकि फिश में बहुत काफी अमाउंट में क्या पाई जाती है, प्रोटीन्स पाई जाती है। इट इज हाईली न्यूट्रिशियस एंड इजिली डाइजेस्टेबल। अगर आप फिश की बात करो तो ये हाईली न्यूट्रिशियस होती है क्योंकि काफी टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं फिश में, एंड इजिली डाइजेस्टेबल, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता, मतलब आसानी होती है डाइजेशन में। ऐसा नहीं होता कि इसको खाने के बाद जैसा भारी भारी लगे या फिर डाइजेस्ट ना हो पाए कोई चीज। ठीक है, तो फिश कैसी होती है, इजिली डाइजेस्टेबल होती है। फिश लीवर ऑयल, फिश का जो लीवर है उसका अगर हम ऑयल देखें, इट इज रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन डी। जो फिश लीवर ऑयल है उसमें सबसे ज्यादा मतलब काफी अमाउंट में विटामिन ए और विटामिन डी प्रेजेंट होती है, हमें विटामिन ए विटामिन डी एज ए न्यूट्रिएंट मिलती है। ठीक है, तो फिश अपने लिए क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट इज द फिशरीज। क्या है बेटा, फिशरीज। अब हम बात करते हैं फिशरीज क्या होती है। ठीक है, फिशरीज आर एस्टेब्लिशमेंट कनेक्टेड विद कैप्चर, उनको कैप्चर करना, पकड़ना फिशीज को, प्रिजर्वेशन उनको प्रिजर्व करना, एक्सप्लोइटेशन उनको एक्सप्लोइट करना, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ, और उनको यूटिलाइज करना वेरियस टाइप ऑफ फिशीज, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, क्रैब्स, ऑयस्टर्स एक्सेट्रा। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेनली फिश प्रोडक्शन की। तो फिशरीज में सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फिश प्रोडक्शन को ही आप ले, मतलब सिर्फ फिश का ही प्रोडक्शन आप लेते हो, या फिर फिश का ही कैप्चरिंग या फिर प्रिजर्वेशन या फिर उनका यूटिलाइजेशन के बारे में देखते हो। फिश में आप वो सारे एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात करेंगे जो अपने फूड रिसोर्सेज के काम आती है। ठीक है, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, क्रैब्स, ऑयस्टर्स, ये भी सारे खाने के काम आते हैं बेटा, और ये भी एज ए प्रोडक्शन के रूप में अपने देश में भी काफी जगह इनको मतलब प्रोड्यूस किया जाता है खाने के लिए, या फिर और अदर जो कंट्रीज है वहां पे भी किया जाता है। प्रॉन तो बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा, प्रॉन एंड ऑयस्टर्स बहुत कॉमन है, इनको मेनली खाने के लिए यूज किए जाते हैं, चाइना वाले लोग तो खाते हैं ये सब बहुत सारे। ठीक है, तो फिशरीज में आप सिर्फ फिश का मतलब वो ना पढ़ के, कैप्चरिंग उसकी, प्रिजर्वेशन, एक्सप्लोइटेशन एंड यूटिलाइजेशन ना पढ़ के, आप अदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उसके बारे में भी बात करते हो। ठीक है, तो फिशरीज का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो बेटा देखो, अगर हम बात करें फिश के बारे में, ठीक है, तो अगर हम बात करें फिशीज के बारे में, तो जो फिश है उसको हम एगेंथा के अंडर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। देखो बेटा, अगर आप बात करो फिश के बारे में, हम फिश के बारे में बात कर रहे हैं, फिश प्रोडक्शन के बारे में, तो फिशेस को आप एगेंथा जो वो है, क्या बोलते हैं, ग्रुप है, उसके अंडर आप क्या करते हो, इसको पुट करते हो एगेंथा। ठीक है, देखो बेटा, टू टाइप्स में आप आगे जब वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, इनवर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पे आप पढ़ोगे कि कैसे ऑर्गेनिजम्स को एगेंथा और ग्रेथा में कन्वर्ट, मतलब डिवाइड कर दिया गया था, क्लासिफाई कर दिया गया था। एगेंथा का मतलब क्या होता है बेटा, एगेंथा का मतलब होता है जोलेस। ठीक है, जिनके पास जो प्रेजेंट ना हो, जोलेस जो फिशीज होती है उसको हमने किसके अंडर इंक्लूड कर देते हैं, हम एगेंथा के अंडर इंक्लूड कर देते हैं।
अब मैं बता रही हूँ आपको कि फिशेज को कैसे कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, किस किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ जॉब प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पे हमने किया कि फिश है वो किसके अंडर आती है, एगेनेथा के अंडर आती है, जोलेस फिशेज, ठीक है, कुछ जोलेस फिशेज होती है, ठीक है। उसके अलावा बेटा एक टर्म आती है, दैट इज कोंड्रिक्थाइज। क्या होती है बेटा? दैट इज कोंड्रिक्थाइज। ठीक है, कोंड्रिक्थाइज में मेनली कौन सी फिशेज आती है? कार्टिलेजिनस फिशेज। कौन सी आती है बेटा? कार्टिलेजिनस फिशेज। जो फिश है वो कार्टिलेज से बनी हुई हो, ठीक है। देखो कार्टिलेज क्या होता है? बोन्स होती है जो कि स्ट्रोंग होती है, जिसमें इलास्टेबिलिटी नहीं होती। अब बोन्स है, क्या आप उनको मोड़ सकते हो? क्या आप उनको ऐसे मतलब इलास्टिक के रूप में वो कर सकते हो? मतलब उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती। जैसे कि मान लो आपकी फिंगर है, इनमें ये बोन्स है, तो क्या आप जो आप ऐसे ऐसे उंगली करते हो तो ये आपकी बोन ऐसे थोड़ी ना होती है, अदर जो मसल्स है वो होती है, ठीक है। तो बोन्स में इलास्टिसिटी प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन कार्टिलेज में क्या होती है? इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। देखो अगर मैं ह्यूमन बॉडी में कार्टिलेज का एग्जांपल दूं, तो अपने ईयर पिना, जो अपने ईयर हैं वो कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। तो देखो आप अपने ईयर्स को चाहे उस तरफ घुमा सकते हो, ठीक है, क्योंकि कार्टिलेज जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें काफी इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो फिशेज को हमने किस कैसे कैसे अब तक क्लासिफाई किया है बेटा? फर्स्ट एग्नेथा, जिसमें हम लोग जोलेस फिशेज को पुट करेंगे। सेकंड है कोंड्रिक्थाइज, जिसमें हम कार्टिलेजिनस फिशेज को पुट करेंगे। उसके बाद बेटा थर्ड है ओस्टिक्थाइज। क्या है बेटा? ओस्टिक्थाइज। ओस्टिक्थाइज में आप मेनली बोनी फिशेज को लेते हो, बोनी फिशेज को, ठीक है। अगर कहीं पे कोंड्रिक्थाइज लिखा आ जाए या फिर कहीं पे ओस्टिक्थाइज लिखा आ जाए, तो कोंड्रिक्थाइज का मतलब क्या है? वहां पे कार्टिलेजिनस फिशेज की बात हो रही है। ओस्टिक्थाइज का मतलब क्या है? वहां पे बोनी फिशेज की बात हो रही है, ठीक है बेटा। तो फिशेज के ये तीन डिवीजन है, इनको आप याद रखोगे, ठीक है। तो फिश को हम कैसे कैसे किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं उसकी बात आ गई है ये, ठीक है। उसके आगे अगर हम बात करें बेटा अगर फिश के बारे में, तो देखो बहुत सारे टाइप की ऐसी फिशेज होती है जो कि कंजम्पशन के लिए बहुत ही ज्यादा यूज में ली जाती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा यूज में ली जाती है कंजप्शन के लिए। अब कुछ फिशेज ऐसी होती है जो वाटर के सरफेस पे पाई जाती है, कुछ फिशेज ऐसी होती है जब आप वाटर में, हम बात करें अगर वाटर की, तो वो डीपली मतलब वाटर में डीपली जाके देखेंगे तो पाई जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की क्या होती है? फिशेज होती है, और अलग अलग टाइप का उनका एनवायरमेंट होता है जहां वो रहती है, जहां वो सर्वाइव करती है। अब अगर हम बात करें बेटा फिश की स्किन की, तो जो फिश की स्किन है वो बहुत सारे टाइप के स्केल्स से कवर्ड होती है। जो स्किन है फिश की, स्किन ऑफ फिश कवर्ड बाय स्केल्स, किससे कवर्ड होती है बेटा? जो फिश की जो स्किन होती है वो काफी टाइप के स्केल्स से कवर्ड होती है। अब आप जब हायर क्लासेस में जाओगे, अभी आपके काम का नहीं है ये, लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप बात करोगे कौन कौन से स्केल्स होते हैं, गैनोइड स्केल्स है, प्लैकोइड स्केल्स है, या फिर पैराफिन स्केल्स है, आप अदर स्केल्स के बारे में बात करोगे। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो स्किन होती है फिश की वो किससे कवर्ड होती है? स्केल्स से कवर्ड होती है, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बेटा फिशरीज के बारे में कि आप फिशरीज में ना कि सिर्फ फिश के प्रोडक्शन या फिर उसके कैप्चरिंग, प्रिजर्वेशन या एक्सप्लोइटेशन एंड यूटिलाइजेशन की बात करते हो, बल्कि उसके अलावा जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स है या अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, लाइक प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, क्रैब्स, ऑयस्टर्स के बारे में भी आप बात करते हो, ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है फिशरीज। अब हम फिशेज को या फिर फिशरीज को हम डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। अब वो किस किस बेसिस पे हम फिशरीज को क्लासिफाई कर सकते हैं उसकी बात देखते हैं। तो सबसे पहले है बेटा फिशरीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट।
अगर प्रोडक्ट के बेसिस पे अगर हम फिशरीज को डिवाइड करें, क्लासिफाई करें, तो मेनली ये टू टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे. फर्स्ट इज द फिन फिशरी, सेकंड इज द सेल फिशरी. ठीक है, जिसमें फिन्स प्रेजेंट हो या फिर जिसमें सेल प्रेजेंट हो. ठीक है, तो अगर हम बात करें फिन फिशरी की, तो फिन फिशरी कौन सी होती है? इट इज कैप्चर, मैनेजमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेज. इस फिन फिशेज में हम लोग बात करते हैं मेनली कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेज के कैप्चरिंग की, उनके मैनेजमेंट की एंड उसके एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं. ठीक है बेटा, फिन फिशरीज में आप किस किस के बारे में बात करते हो? कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेज के कैप्चरिंग, मैनेजमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं. उसके बाद है बेटा शेल फिशरी. शेल फिशरी में हम किसकी बात करते हैं? इट इज कैप्चर, मैनेजमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ क्रस्टेशियंस. किस किस की, यहाँ पे हम किसकी कैप्चरिंग, मैनेजमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन करेंगे? क्रस्टेशियंस. क्रस्टेशियंस में मेनली कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? क्रैब्स, प्रॉन्स. ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? क्रस्टेशियंस में आते हैं. एंड मोलस्कस. मोलस्कस में कौन से आते हैं? ऑयस्टर, ऑक्टोपोड्स. जब आप डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करोगे, तो वहां पे बेटा आप ये सारे क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स. जब मोलस्कस है उसके अंडर आप किन किन को पुट करते हो, तो वहां पे आप बात करोगे ऑयस्टर्स, ऑक्टोपोड्स, इनके बारे में. ठीक है, तो फिन फिशरी में आप किसके कैप्चरिंग एंड एक्सप्लोइटेशन की बात कर रहे हो बेटा? कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेज. और सेल फिशरी में आप किसकी बात कर रहे हो? क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस एंड मोलस्कस के बारे में बात कर रहे हो. ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं फिशरीज के नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में, कि जो फिशरी का जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है. तो हम बात करते हैं बेटा फिशरीज की ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फिश. फिश के ऑब्टेन के बेसिस पे हम लोग, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फिश के बेसिस पे हम लोग फिशरीज को कैसे क्लासिफाई करते हैं. तो ये हम टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट इज द कैप्चर फिशरी, सेकंड इज द कल्चर फिशरी. फर्स्ट इज द कैप्चर फिशरी, सेकंड इज द कल्चर फिशरी. कैप्चर फिशरी की अगर हम बात करें, फिश इज कॉट फ्रॉम नेचुरल वाटर बोथ मैराइन एंड इनलैंड. फिश को हम मेनली कहां से पकड़ते हैं, कहां से कॉट करते हैं? फ्रॉम नेचुरल वाटर्स, बोथ मैरीन एंड इनलैंड वाटर से. ठीक है, कैप्चर है तो कैप्चर कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं फिश को कहां से, किस एरिया से, कैसे एनवायरमेंट से? नेचुरल वाटर्स से, बोथ मैराइन एंड इनलैंड. इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज यूज टू लोकेट फिश इन सी. देखो बेटा, कैप्चर फिशरी में मेनली क्या क्या जाता है? एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है, उसको यूज किया जाता है ये देखने के लिए कि फिश सी में कहां पे प्रेजेंट है. ठीक है, कि कौन से एरिया में फिश प्रेजेंट है. ठीक है, उसके बाद उसको लोकेट करने के बाद वहां से उसको क्या कर लिया जाता है? कैप्चर कर लिया जाता है. क्या कर लिया जाता है बेटा? उसके बाद वहां से उसको कैप्चर कर लिया जाता है फिश को. ठीक है, तो आगे आपको समझ में बेटा कैप्चर फिशरी में कैसे करते हैं. ठीक है, उसके बाद सेकंड है कल्चर फिशरी. अगर हम बात करें कल्चर फिशरी की, तो कल्चर फिशरी में क्या करते हैं? इट इज कल्टीवेटिंग, कल्टीवेट करते हैं, रियरिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फिश. ठीक है, कल्चरल फिशरी में क्या करते हैं? इट इज कल्टीवेटिंग, रियरिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फिश. ठीक है, फिश का कल्टीवेशन करते हैं, उसकी रियरिंग करते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं फ्रॉम एक्वेटिक वाटर बॉडीज से. ठीक है, जो एक्वेटिक वाटर बॉडीज है वहां से उनको क्या करते हैं? मेनली हम लोग कल्टीवेट करते हैं, उसकी रियरिंग करते हैं और उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं. ठीक है, उसके आगे अगर हम बात करें कल्चर फिशरी की, तो कल्चर फिशरी इज ऑल्सो कॉल्ड फिश फॉर्मिंग, फार्मिंग और पीसी कल्चर. कल्चर जो हम फिशीज का जो कल्चर करते हैं, फिशरी का जो कल्चर करते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड फिश फार्मिंग और पीसी कल्चर. ठीक है बेटा, आ गया इतनी बात आपको समझ में? उसको हम क्या बोलते हैं? फिश फार्मिंग या फिर पीसी कल्चर. ग्रोविंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इन वॉटर बॉडीज इज कॉल्ड एक्वा कल्चर. अदर अदर टाइप के, वेरियस टाइप्स के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने लग जाते हैं वॉटर बॉडीज में. वो वॉटर बॉडीज ओशंस भी हो सकती है, रिवर्स भी हो सकते हैं, लेक्स भी हो सकते हैं, पॉन्ड्स भी हो सकते हैं, सी भी हो सकता है.
ठीक है, या फिर अदर टाइप की रिजर्वोर या फिर अदर टाइप के जो वाटर बॉडीज है उसमें ग्रो कर जाना किसी वेरियस टाइप ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का, उसको हम क्या टर्म देते हैं बेटा, एक्वा कल्चर। क्या टर्म देते हैं? एक्वा कल्चर। ठीक है, एक्वा का मतलब होता है एक्वेटिक या फिर वॉटर से रिलेटेड वॉटर बॉडीज। तो एक्वेटिक कल्चर मतलब वहां पे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का कल्चर हो रहा है, उनकी ग्रोइंग हो रही है वॉटर बॉडीज में, तो हम उसको क्या टर्म देंगे? एक्वा कल्चर। ठीक है बेटा, तो हमने फिशरी का अब तक 2 क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, सेकंड ऑन द मोड ऑफ द ऑब्टेनिंग फिश। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द बेटा फिशरीज ऑन द बेसिस ऑफ वॉटर सोर्स ऑफ फिश प्रोडक्शन, कि जो फिश प्रोडक्शन हमें मिल रहा है उसका वाटर सोर्स क्या है, वो किस टाइप के वाटर में प्रेजेंट है जब हम उसको मतलब उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, तब उसकी अगर हम बात करें बेटा, देखो तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो उसके आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहला है बेटा मैरीन फिशरीज। क्या है? मैरीन फिशरीज, इट इंक्लूड्स कैप्चर फिशरीज ऑफ ओशंस एंड सीज। ओशंस एंड सीज से जो कैप्चर की जाती है फिशरीज, वो किसके अंडर आती है? मेनली मैरीन फिशरीज के अंडर आती है, फिशरीज के अंडर आती है। ठीक है, देखो बेटा मैरीन होता है हल्का सा सोल्टी वॉटर, ठीक है, जहां पे थोड़ी सोल्ट की अमाउंट प्रेजेंट हो जिस वॉटर में, वो किसमें आता है? मैरीन फिशरीज में आता है। तो जो ओशंस होते हैं, समुद्र एंड सीज वगैरह होते हैं, समुद्र एंड महासागर जो होते हैं ओशंस, ठीक है, उनका जो वॉटर होता है, जैसे बोला भी जाता है ना कि नमक को कहां से लिया जाता है, मेनली जो ओशन सीज होता है वहीं से लिया जाता है। तो मैरीन फिशरीज मतलब जो थोड़े सोल्टी एरिया में प्रेजेंट हो, जो थोड़े सोल्टी वॉटर में प्रेजेंट होती है। और इसमें कौन कौन सी फिशरीज इंक्लूड होती है? ओशन से एंड सीज से कैप्चर की हुई। ठीक है, उसके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्रेश वॉटर फिशरीज। अगर हम बात करें फ्रेश वॉटर फिशरीज के बारे में, तो यहाँ पे जो फिशेज फ्रेश वॉटर में होगी, मेनली हम उनके कैप्चरिंग की बात करेंगे, उनके कल्चर की बात करेंगे। तो इट इंक्लूड्स कैप्चर एंड कल्चर फिशरीज इन फ्रेश वॉटर सिस्टम सच एज रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स, टैंक्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा। ठीक है, जो फिशेज मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होगी? फ्रेश वॉटर में सिस्टम में, सच एज रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स, टैंक्स, पॉन्ड्स, इनमें जो प्रेजेंट होगी फ्रेश वॉटर में, उनको हम क्या करेंगे? कैप्चर करेंगे, कल्चर करेंगे उनका। ठीक है बेटा, थर्ड हम बात करते हैं ब्रैकिश वॉटर फिशरीज के बारे में। ठीक है, मैरीन फिशरीज में क्या होता है? सोल्ट के अमाउंट ज्यादा प्रेजेंट होती है, लेकिन ब्रैकिश वॉटर फिशरीज, जो ब्रैकिश वॉटर होता है उसमें सोल्ट की कंसेंट्रेशन, सोल्ट की अमाउंट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एकदम हल्का सा सोल्टी वॉटर होता है, ज्यादा सोल्टी नहीं, लेकिन मैरीन में ज्यादा सोल्टी वॉटर होता है। ठीक है, इट इंक्लूड फिशिंग एक्टिविटीज इन ब्रैकिश वॉटर। ठीक है, इसमें हम मेनली उन फिशेज की एक्टिविटीज मतलब उनके कैप्चरिंग एंड कल्चर की बात करेंगे जो कि ब्रैकिश वॉटर में प्रेजेंट है, मतलब स्लाइटली सोल्टी वॉटर, हल्का सा सोल्टी वॉटर है उसमें, सच एज एस्टुरीज, मैंग्रोव स्वैम्प्स। एस्टुरीज क्या होता है बेटा? जहां पे सी और रिवर मिलते हैं, या फिर जहां पे रिवर किसी भी अदर वॉटर बॉडी से जाके मिलती है, उसको हम क्या टर्म देते हैं बेटा? एस्टुरीज। उसको हम क्या बोलते हैं? एस्टुरीज। तो ब्रैकिश वॉटर फिशरीज में क्या हुआ? हल्का सा सोल्टी वॉटर हुआ कि जो सी है जिसमें थोड़ा ज्यादा मतलब सोल्टी नेचर है जिसका, और वो किसी रिवर से जाके मिल रहा है। ठीक है, तो रिवर कम सोल्टी है, तो जहां पे वो मिल रहे हैं उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? एस्टुरी या फिर एस्टुरीज, क्योंकि वहां का जो वॉटर होगा वो थोड़ा ब्रैकिश वॉटर होगा, उसमें सोल्ट की कंसेंट्रेशन इतनी हाई नहीं होगी। ठीक है, एंड उसके अलावा मैंग्रोव स्वैम्प्स। तो बात समझ में आ गई आपको बेटा ब्रैकिश वाटर फिशरीज के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, फ्रेश वॉटर फिशरीज एंड ब्रैकिश वॉटर फिशरीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड इनलैंड फिशरीज। फ्रेश वॉटर फिशरीज को और ब्रैकिश वॉटर फिशरीज को हम एक साथ एक टर्म दे सकते हैं, दैट इज इनलैंड फिशरीज। क्या टर्म दे सकते हैं बेटा? दैट इज इनलैंड फिशरीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बेटा। तो अगर हम बात करें फिशेज की, तो अगर हम इंडिया में देखें कि टोटल जो फिश प्रोडक्शन है इंडिया में वो कितना है, वो किस पोजिशन पे है, तो जो टोटल फिश प्रोडक्शन है इन इंडिया, टोटल फिश प्रोडक्शन, इन इंडिया अगर इंडिया की हम बात करें
तो सेवंथ पोजीशन है वर्ल्ड में इंडिया की फिश प्रोडक्शन में. कौन सी पोजीशन है बेटा? सेवंथ पोजीशन है, सेवंथ पोजीशन इन वर्ल्ड. ठीक है. अब उसके अलावा अगर हम बात करें कि मैरीन फिश प्रोडक्शन कितना है, एक्वाकल्चर प्रोडक्शन कितना है, उसकी अगर हम बात करें तो मैरीन फिश प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की 10th पोजीशन है इन मैरीन फिश प्रोडक्शन. उसके अलावा अगर हम बात करें एक्वाकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया, तो एक्वाकल्चर प्रोडक्शन इंडिया का कौन सी पोजीशन है बेटा? सेकंड पोजीशन है. कौन सी पोजीशन है? सेकंड पोजीशन है. ठीक है. तो ऐसे अलग अलग हम बात करें अगर कि इंडिया में कैसी फिशरी है, उसका प्रोडक्शन कितना है, तो ये है. सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि टोटल फिश प्रोडक्शन इन इंडिया की अगर हम बात करें तो सेवंथ पोजीशन है वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है. अब अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, ठीक है, तो इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया है जो वास्ट स्कोप ऑफ मैरीन फिशरी. ठीक है. अगर हम बात करें कि मैरीन फिशरी है तो देखो ओशियंस सीज ये काफी बड़े बड़े होते हैं. ठीक है. काफी किलोमीटर्स तक, काफी थाउजेंड किलोमीटर्स तक ये फैले हुए होते हैं और काफी डीप होते हैं. ठीक है. तो वहां से फिशेज का प्रोडक्शन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है. ठीक. तो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, कॉमन मैरीन फिश वेराइटीज पॉपुलरली कंज्यूम्ड एज फूड आर. कुछ मैरीन फिशेज की वेराइटीज है जिसको हम कंज्यूम करते हैं एज ए फूड. आर कौन कौन सी है वो वेराइटीज, उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला है टूना, सेकंड इज सार्डिन्स, थर्ड इज बॉम्बे डक, ईल, हिल्सा, साल्मोन, फ्लाइंग फिश, फ्लैट फिश एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये कुछ वेराइटीज है फिश की जो पॉपुलरली कंज्यूम की जाती है एज ए फूड. और कौन सी वेराइटीज है? मैरीन फिश वेराइटीज है, मैराइन फिश वेराइटीज है बेटा. ठीक है. याद रखना मैराइन फिश वेराइटीज है, ना कि फ्रेश वाटर फिश वेराइटीज है. ये कौन सी वेराइटीज है? मैराइन फिश वेराइटीज है. टूना, सार्डिन्स, बॉम्बे डक, ईल, हिल्सा, साल्मोन, फ्लाइंग फिश, फ्लैट फिश एक्सेट्रा. ठीक है. उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, कॉमन फ्रेश वाटर फिश वेराइटीज पॉपुलरली कंज्यूम्ड एज फूड आर. ये फ्रेश वाटर फिश की वेराइटीज है जिनको हम पॉपुलरली कंज्यूम करते हैं एज ए फूड. वो कौन कौन सी है? आर रोहू, कालवासु, कैटला, मालहई, संघारा, स्नेक हेड और चीतल. ठीक है. याद रखना बेटा कौन कौन सी है? रोहू, कालबासु, कटला, मालही, संघारा, स्नेक हेड और चीटल. ठीक है. तो ये क्या है? कुछ वेराइटीज है फिश प्रोडक्शन की, फिश वेराइटीज है. यहाँ पे मैरीन फिश वेराइटीज है, यहाँ पे फ्रेश वाटर फिश वेराइटीज है. ठीक है. तो ये याद रखना बेटा. उसके बाद हम बात करते हैं हम एक्वाकल्चर के बारे में कि एक्वाकल्चर मेनली है क्या. तो हमने बात की थी कि किसी भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ग्रो हो जाना किसी भी वाटर बॉडीज में, वो हमने किसके अंडर, वो हमने क्या बोला था? इट इज नोन एज एक्वाकल्चर. तो प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज फिशेज, प्रॉन्स, क्राइफिशेज, क्रैब्स, ऑस्टर्स, श्रिम्प्स एंड सीवीड्स बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर इन द कंट्री. ठीक है. तो एक्वाकल्चर क्या हुआ? प्रोडक्शन हो जाना किसी भी यूजफुल एक्वेटिक प्लांट्स का या फिर एनिमल्स का, जैसे कि फिशेज, प्रॉन्स, क्रेफिशेज, क्रेफिश, क्राइफिश, ठीक है, क्रैब्स, ऑयस्टर्स, श्रिम्प्स एंड सीवीड्स का बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर इन द कंट्री. ठीक है बेटा, आ गई इतने आपको बात समझ में. ये हमने बात की एक्वाकल्चर की. अब एक्वाकल्चर में मेनली कौन कौन सी कल्चर इंक्लूड है अगर हम उसकी बात करें तो एक्वाकल्चर इंक्लूड्स फर्स्ट है मैरी कल्चर, सेकेंड है फ्रेश वाटर कल्चर फिशरी. फर्स्ट क्या है? मैरी कल्चर. सेकेंड है फ्रेश वाटर कल्चर फिशरी. मैरी कल्चर में मेनली क्या आता है बेटा? मैराइन फिशेज कल्चर्ड इन कोस्टल वाटर्स ऑफ इंडिया ऑन कमर्शियल बेसिस इंक्लूड ईल, मिलेट्स एंड मिल्क फिश. जो मैराइन फिशेज है वो मेनली कहाँ पे कल्चर होती है? इन कोस्टल वाटर, इन कोस्टल वाटर ऑफ इंडिया ऑन कमर्शियल बेसिस. काफी मतलब कमर्शियल मतलब काफी अमाउंट में, काफी कमर्शियली बेसिस पे इसको क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है. इंक्लूड ईल, ईल को, मिलेट्स एंड मिल्क फिशेज को. ठीक है. ये सारी मैरी कल्चर के अंडर आती है. मैराइन फिशेज है ये सारी. कौन सी है? मैरीन फिशेज है, ईल, मिलेट्स एंड मिल्क फिश. ठीक है. उसके अलावा है फ्रेश वाटर कल्चर फिशरी. क्या है बेटा? फ्रेश वाटर कल्चर फिशरी. फ्रेश वाटर कल्चर फिशरी ऑफ एक्जोटिक कार्प्स.
अब देखो एक्जोटिक वर्ड दोबारा आ गया है, इंडिजिनस एंड एक्जोटिक। तो अपने इंडिया के अलावा अगर अदर कंट्री की कोई ब्रीड है, अदर कंट्री की कोई वैरायटी है, तो उसको आप किसके अंडर रखते हो, एक्जोटिक। तो फ्रेश वाटर कल्चर फिशरी ऑफ एक्जोटिक कार्प्स हैज गुड प्रोस्पेक्टस इन लेक्स, ठीक है, हैज गुड प्रोस्पेक्टस इन लेक्स। दिस कार्प्स इंक्लूड, अब इन कार्प्स में कौन कौन इंक्लूड होता है उसकी हम बात करें तो दिस कार्प्स इंक्लूड कॉमन कार्प, इंग्लिश कार्प, टेंच, ठीक है। कौन कौन से कार्प्स इंक्लूड होंगे, कॉमन कार्प, इंग्लिश कार्प एंड टेंच। तो ये याद रखना है बेटा आपको, कौन सी मैरी कल्चर के अंडर आती है, कौन सी फ्रेश वॉटर कल्चर फिशरी है, ठीक है, हम कौन कौन सी फिशरीज को किसके अंडर पुट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इनलैंड फिशरीज के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे हम बेटा, इनलैंड फिशरीज के बारे में, कि इसमें मेनली कौन कौन सी फिशरी इंक्लूड है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनलैंड फिशरीज के बारे में तो इट इंक्लूड्स रिवरीन फिशरी जो रिवर से की जाती है, रिजर्वोर फिशरीज जो रिजर्वोर से की जाती है फिशेज कलेक्ट या फिर कैप्चर, लेक फिशरीज जो लेक से की जाती है, पोन्ड फिशरीज जो पोन्ड से की जाएगी, और एस्टुरीन फिशरीज जो एस्टुरीज से की जाएगी, ठीक है बेटा। तो जो इनलैंड फिशरी है, इनलैंड कैप्चरिंग फिशरी है, वो बहुत ही रैपिडली एक्सपेंड है इन आवर कंट्री, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो इंट्रोडक्शन हो रहा है एक्जोटिक स्पीसीज का फ्रॉम अबोर्ड या फिर अदर कंट्री से अपने कंट्री में, उनका ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है मेनली फिशीज का, एक्जोटिक जो ब्रीड्स है उनका, हैव टू बी प्रूव्ड टू बी ग्रेट बून, ठीक है, उससे भी हमें काफी अमाउंट में प्रोडक्शन मिलता है, उससे भी हमें काफी अमाउंट में क्या मिलता है बेटा, प्रोडक्शन मिलता है, ठीक। तो उससे नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपोजिट फिश कल्चर, कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है, जिसको हम पोली कल्चर ऑफ फिशेज भी बोलते हैं। पोली कल्चर का मतलब देखो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, बहुत सारे अमाउंट में क्या करना, कल्चर करना ऑफ फिश, फिश का, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो देखो कंपोजिट फिश कल्चर में मेनली क्या होता है बेटा, जो फिश कल्चरिंग की जाती है या फिर फिश प्रोडक्शन किया जाता है एक सिंगल स्पीसीज से, आपने कोई सिंगल स्पीसीज ली और उससे आप फिश का प्रोडक्शन करा रहे हो, फिश की ही कोई सिंगल स्पीसीज ली और आप उसको वाटर बॉडी में रख रहे हो और उससे आपको फिश प्रोड्यूस हो रही है। तो किसी सिंगल स्पीसीज से अगर आप फिश प्रोडक्शन करा रहे हो, कल्चरिंग करा रहे हो पोंड में, तो आप उसको बोलोगे मोनोकल्चर। आप उसको क्या बोलोगे बेटा, मोनोकल्चर। मोनो मतलब सिंगल, कल्चर मतलब आप कल्चरिंग करा रहे हो फिश की। तो फिश प्रोडक्शन बाय कल्चरिंग ए सिंगल स्पीसीज इन ए पोंड इज कॉल्ड मोनोकल्चर, ठीक है। बाय यूजिंग किसी ट्रेडिशनल मेथड, ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग क्या करते हैं, उस फिश का प्रोडक्शन करते हैं सिंगल स्पीसीज का, तो उसकी वजह से हमें जो यील्ड है या जो प्रोडक्शन है फिशीज का वो लो अमाउंट में मिलता है, वो लो अमाउंट में मिलता है। लेकिन हमें फिश प्रोडक्शन ज्यादा करना है क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, क्योंकि फिशीज की बहुत सारी नीड है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। काफी स्टेट्स में तो फिश ही खाते हैं सिर्फ, उसके अलावा और कुछ खाया नहीं जाता। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वैसे वैसे जो फिश की प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज करना होगा। तो मोनोकल्चर तो इज नॉट ए गुड सोर्स, मतलब एक अच्छा मेथड नहीं है फिश प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हमें इससे जो यील्ड मिलती है या जो प्रोडक्शन मिलता है फिशीज का वो बहुत ही कम मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी स्पीसीज को, फिश की बहुत सारी स्पीसीज को हम एक पोंड में रखते हैं, आर स्टॉक्ड टूगेदर इन ए पोंड, एक उसमें क्या करते हैं, स्टॉक्ड करते हैं काफी सारी स्पीसीज को। तो इसकी वजह से जो प्रोडक्शन होगा फिशीज का वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा विद द सेम कॉस्ट। क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा विद द सेम कॉस्ट। हेंस इट इज नेसेसरी टू सिलेक्ट स्पीसीज हैविंग डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स सो दैट ऑल द अवेलेबल फूड इन द पोंड इज इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड। देखो बेटा, एक नॉर्मल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर एक फिश की, अगर आप सिंगल स्पीसीज को अगर आप प्रोड्यूस करा रहे हो, उसका कल्चर करा रहे हो, तो उससे आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा, ना ही आपको फिश का अच्छा प्रोडक्शन मिल पाएगा, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एक सिंगल अगर स्पीसीज का कल्चर करा रहे हो तो आप मोनो कल्चर। लेकिन आपने फिश की बहुत सारी स्पीसीज ली, बहुत सारी वेराइटीज ली, और उसको किसी पोंड में, किसी वॉटर बॉडी में आप क्या करा रहे हो, उनकी कल्चरिंग करा रहे हो, उनका प्रोडक्शन करा रहे हो, तो आपको एक साथ काफी अमाउंट में काफी टाइप की, काफी वैरायटीज की जो फिश है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी वहां पे,
ठीक है। अब देखो जो एक्वेटिक वाटर बॉडी है, जो वाटर बॉडी है मेनली, वहां पे काफी टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बॉटम पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डीपली प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बीच में प्रेजेंट होते हैं, मिडल एरिया में प्रेजेंट होते हैं, मिडल जोन में प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप काफी टाइप की स्पीसीज की वेराइटीज डालोगे, स्पीसीज की काफी टाइप की फिशीज की स्पीसीज डालोगे, तो जरूरी नहीं ना कि हर स्पीसीज है वो एक ही प्लांट के ऊपर फीड करेगी। अब कोई ऐसी फिशीज रहेंगी जो मिडल में जाके अपना फूड लेंगी, कोई ऐसी फिशीज रहेगी जो टॉप पे जाके लेगी, कोई ऐसी फिशीज रहेगी जो बॉटम में जाके लेगी। तो इस तरह से जो पोंड में जो एक्वेटिक प्लांट्स है, जो एक्वेटिक वीड्स है, वो भी यूज में आ जाएगी, वो भी यूटिलाइज हो जाएगी एज ए फूड फॉर फिशीज। और जो फिश का प्रोडक्शन है वो भी आपके लिए इंक्रीज हो जाएगा सेम कॉस्ट में, आपको उससे ज्यादा भी कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या करना होता है, फिश की स्पीसीज को, जो अदर अदर जो स्पीसीज है, अदर अदर जो वेराइटीज है, उन सबको पोंड में क्या कर लो, उनको स्टॉक्ड कर लो एक साथ, और फिर उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? तो इससे क्या होगा, फास्ट ग्रोइंग कंपेटिबल स्पीसीज। कंपेटिबल का मतलब है जो स्पीसीज कंपेटिबल होगी अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, जो अडेप्ट हो जाएगी, आर सिलेक्टेड, उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, सो दैट देर इज लिटिल कॉम्पिटिशन बिटवीन दैम एंड ऑल इकोलॉजिकल जोन्स आर एक्सप्लोइटेड फॉर अचीविंग मैक्सिमम यील्ड। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि फास्ट ग्रोइंग हो गई, आपने अलग अलग स्पीसीज को जैसे वहां पे क्या कर दिया, पोंड में रख दिया, और फिर उनका उनकी ग्रोथ होती जा रही है, उनको उनसे प्रोडक्शन मिलता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फास्ट ग्रोइंग कंपेटिबल स्पीसीज आर सिलेक्टेड सो दैट देयर इज लिटिल कॉम्पिटिशन बिटवीन दैम एंड ऑल इकोलॉजिकल जोन्स। जो इकोलॉजिकल जोन का मतलब है टॉप जोन है, मिडल में है, फिर बॉटम में है, आर एक्सप्लोइटेड फॉर अचीविंग मैक्सिमम यील्ड। ठीक है, इनसे भी हमें मैक्सिमम यील्ड अचीव होगी, क्योंकि जैसे जैसे फिश जिस जोन में प्रेजेंट होगी वैसे वैसे हमें उसकी यील्ड प्राप्त होगी। ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड कंपोजिट फिश फार्मिंग और पॉलीकल्चर ऑफ फिशेज। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फिश फार्मिंग और पॉलीकल्चर ऑफ फिशेज। अब अगर हम बात करें कंपोजिट फिश के बारे में कि इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है, कैसी कैसी फिशेज है, उसके बारे में अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर फिश कल्चर इंक्लूड्स। फिश को कल्चर करने के लिए, फिशेज का प्रोडक्शन कराने के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्वाइंट्स हमें याद रखने चाहिए, हमें टू बी टेकन इंटू कंसिडरेशन में लाना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट है बेटा टोपोग्राफी और लोकेशन ऑफ पोंड। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, टोपोग्राफी और लोकेशन ऑफ पोंड, कि जिस पोंड की आप लोकेशन ले रहे हो वो किस लोकेशन में प्रेजेंट है, वहां का वाटर कैसा, मतलब वाटर की क्वालिटी कैसी है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां का वाटर कैसा है, हॉट है, कोल्ड है। ठीक है, लोकेशन क्या है पोंड की, कि पोंड कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे वो लोकेट है। टोपोग्राफी का मतलब भी क्या होता है बेटा, लोकेशन। तो पोंड की या फिर किसी भी जो वाटर रिसोर्स आप ले रहे हो, ठीक है, वाटर रिजर्वर आप ले रहे हो, उसकी लोकेशन क्या है। सेकंड है वाटर रिसोर्सेज एंड क्वालिटी, कि जो वाटर रिसोर्स आप ले रहे हो कि फ्रेश वाटर है, मैरीन वाटर है, ब्रैकिस वाटर है, वो किस वाटर रिसोर्स से मतलब है, एंड उसकी क्वालिटी कैसी है, वो किस क्वालिटी का है। थर्ड है सोयल क्वालिटी, ठीक है, कि जो सोयल की क्वालिटी है, अब जैसे सी है, ओशियंस है, उनमें सोयल भी तो प्रेजेंट होती है ना बेटा, ऐसा थोड़ी ना कि बस वाटर वाटर है वहां पे फिशेज रह रही है, तो सोयल की क्वालिटी भी कैसी है, क्योंकि सोयल की क्वालिटी भी बहुत इफेक्ट करती है फिशेज के प्रोडक्शन को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, द टाइम ऑफ स्टॉकिंग, जब स्टॉकिंग के टाइम पे ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी वॉटर टेम्परेचर। द टाइम ऑफ स्टॉकिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी वॉटर टेम्परेचर, जो स्टॉकिंग का टाइम होता है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, वॉटर के टेम्परेचर के, कि जो वॉटर का टेम्परेचर है वो ठंडा है, गर्म है, इस बेसिस पे डिपेंड करता है। लो वॉटर टेम्परेचर, लो वॉटर टेम्परेचर है मतलब 18-20 डिग्री सेल्सियस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर ग्रोथ। अगर हम फिश प्रोडक्शन की बात करें, फिश की ग्रोथ की बात करें, तो मेनली ये वॉटर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब वॉटर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कैसे, कि अगर लो वॉटर टेम्परेचर हुआ तो वो ज्यादा फेवरेबल है फिशेज की ग्रोथ के लिए। वो क्या है, ज्यादा फेवरेबल है फिशेज की ग्रोथ के लिए, या तो लो टेम्परेचर होना चाहिए या फिर मिडल
टेम्परेचर होना चाहिए। अगर ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो फिशेज क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए या तो लो टेम्परेचर होना चाहिए। देखो वॉटर में रह रही है तो वो सर्दियों में भी रहती है, और सर्दियों में वॉटर कितना ठंडा होता है ना, और ऐसे गर्मियों में भी रहती है, लेकिन गर्मियों में इतना गर्म नहीं हो पाता, सिर्फ वॉटर का जो ऊपर का जो हिस्सा है, जो अपर जो जोन है, सिर्फ वो ही गर्म हो पाता है, नीचे का वॉटर इतना नहीं हो पाता। तो जो टेम्परेचर है वॉटर का वो या तो मीडियम होना चाहिए या लो होना चाहिए, तभी जो फिशेस की ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाएगी। उसके नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इन कंपोजिट फिश कल्चर दे डू नॉट कम्पीट विद ईच अदर फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग अगर आप स्पीसीज डाल रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि एक स्पीसीज है जो फीड कर रही है, जो वहां पे एक्वेटिक प्लांट को जो वो एज ए कंज्यूम कर रही है, तो अदर स्पीसीज भी उसको करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि एक फिश है यदि वो अपर जोन में रह रही है तो दूसरी भी अपर जोन में ही रहेगी। तो इन कंपोजिट फिश कल्चर में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि स्पीसीज के बीच में क्या हो, कंपटीशन हो स्पेस को लेके या फिर न्यूट्रिशन को लेके। ठीक है, वो बात बताई गई है। दे लिव इन डिस्टिंक्ट जोन्स इनसाइड द पोंड। ये जो फिशीज है ये अलग अलग जोन में रहती है इनसाइड द पोंड। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, कटला एंड सिल्वर कार्प लिव मोस्टली इन द सरफेस जोन। अगर हम ये दो स्पीसीज है फिशीज की, कटला एंड सिल्वर कार्प की अगर मैं बात करूं, लाइव मोस्टली इन द सरफेस जोन, सरफेस जोन में रहती है। रोहू एंड ग्रास कार्प आर लाइव इन मिडल जोन में रहती है मेनली। कॉमन कार्प लाइव एट द बॉटम। कॉमन कार्प जो है वो मेनली बॉटम पे रहती है। तो अलग अलग डिस्टिंक्ट जोन हो गए अलग अलग स्पीसीज के पोंड में, ठीक है, या फिर किसी भी वॉटर बॉडी में जहां पे आप उसको कल्चरिंग करा रहे हो फिशेज की। फीड्स हैबिट्स ऑफ सिलेक्टेड स्पीसीज आर डिस्टिंक्ट। जो फीडिंग हैबिट है, जैसे जैसे जो फीड कर रही है मेनली जो फिशेज है वो फीड कर रही है, तो उनकी फीडिंग हैबिट भी अलग अलग होगी। जरूरी नहीं कि जो एक फिश जो खा रही है, जो फीड कर रही है, उसी पे दूसरी फिश की स्पीसीज भी करेगी, तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन भी कम होगा। तो फीडिंग हैबिट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो एग्जाम्पल है सिल्वर कार्प फीड्स ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स पे करती है मेनली फीड। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं बेटा, देखो अब जो एक्वेटिक बॉडीज है, एक्वेटिक वॉटर बॉडीज है, वहां पे मेनली कौन से टाइप के अलग अलग टाइप के फीडिंग हैबिट्स होती है, ठीक है। जैसे होता है फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, उसके अलावा फिशेज आती है, लार्ज फिशेज आती है। ऐसे अगर हम बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे प्लैंक्टन्स पाए जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स या फिर अदर टाइप के छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो मेनली यूज में लिए जाते हैं। तो जो सिल्वर कार्प है वो मेनली फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड करती है। सेकंड है कटला। कटला फीड्स ऑन जूप्लैंक्टन्स पे करती है। जूप्लैंक्टन्स में आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स में बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स की बात करते हो आप। देखो फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, और प्लैंक्टन्स उनके साइज के बेसिस पे। ऐसे ही कटला जो फीड करती है वो जू प्लैंक्टन्स पे करती है। जू का मतलब होता है एनिमल्स से रिलेटेड, तो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर क्या करती है, ये मेनली फीड करती है कटला, ठीक है। रोहू फीड्स ऑन डिकेइंग प्लांट्स एंड डेट्रिटस। जो रोहू नाम की जो वेराइटी है फिश की सॉरी, वो मेनली किस पे फीड करती है, डिकेइंग प्लांट्स पे एंड डेट्रिटस पे, ठीक है बेटा, डिकेइंग प्लांट्स पे एंड डेट्रिटस पे। ऐसे जो ग्रास कार्प है फीड ऑन एक्वेटिक प्लांट्स एंड वीड्स। जो एक्वेटिक प्लांट्स है या फिर एक्वेटिक वीड्स है, वहां पे जो अलग अलग टाइप की जो अनवांटेड प्लांट्स है या फिर एक्वेटिक प्लांट्स है, उनपे कौन मेनली फीड करता है, ग्रास कार्प। तो हमने बात की कि अलग अलग जो स्पीसीज है फिश की वो अलग अलग डिस्टिंक्ट जोन में रहती है, अलग अलग डिस्टिंक्ट जोन में लाइव करती है, और उसके अलावा उसकी अलग अलग फीडिंग हैबिट्स होती है जिसके बेसिस पे उनके बीच में कंपटीशन होता है, वो या तो बिल्कुल नहीं होता या फिर बहुत ही कम होता है स्पेस को लेके या फिर न्यूट्रिशन को लेके। ठीक है बच्चों, तो आज हमने बात की है फिश प्रोडक्शन के बारे में कि फिश प्रोडक्शन कैसे जरूरी है, उससे हमें किस किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसके बेसिस पे हमने बात की है। फिशरीज की बात की है कि फिशरीज किस किस बेसिस पे क्लासिफाई है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। इस चैप्टर का आपका एक टॉपिक रह गया, दैट इज बी कीपिंग। उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू।